Hello and welcome to Tulika's Recipes. So today my recipe will be butter garlic mushroom. ये बहुत amazing dish है, तो चलिए start करते बनाना. तो सबसे पहले एक pan में हम लोग butter लेंगे. As you know, butter और garlic इसमें दोनों ही बहुत ज़्यादा amount में चाहिए. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने refined oil डाला है ताकि butter जल ना जाए, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डालिए. और ये मशरूम मैंने एक पैकेट मशरूम ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स होते हैं ले लिया है. इसको अच्छे से वॉश करके मैं सुखा लूँगी. और इधर मेरे बटर भी मेल्ट हो गए हैं. नाउ वी हैव टू ऐड गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक्स. इट इज़ अबाउट 20-25 गार्लिक्स है यहाँ पे. उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है क्योंकि नाम ही इसका गार्लिक बटर मशरूम है, तो इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा से आना चाहिए. तो मेक श्योर आपके गार्लिक जल ना जाए और फ्लेम आपका मीडियम पे ही रहे. 2 मिनट्स के लिए इसको आप बस कुक कीजिए. और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन चॉप करके डाला है. बहुत ज़्यादा अनियन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इस तरह से हम लोग स्टर करते रहेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बटर में अनियन और गार्लिक के. हाँ, इधर मैंने जो मशरूम लिया था उसमें मैं प्रिक कर रही हूँ ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं उसके फ्लेवर हैं मशरूम के अंदर तक जाए. तो आप भी इसको इस तरह से कर लिया करिए जब भी आप कुछ मशरूम का आइटम बना रहे हैं. को मैं अभी इसमें डालूंगी और हल्के हाथों से इनको अच्छे से फ्राई करते हैं. सारे अनियन और गार्लिक जो है इसके साथ आप मिलाइए और फ्लेम आपका लो टू मीडियम ही रखिए. अच्छा, मशरूम पानी छोड़ता है तो आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ये पानी पानी ना हो जाए, इसलिए आप बीच बीच में इसको चलाते हुए अच्छे से कुक करिए. हाँ, इसमें थोड़ा सा अकॉर्डिंगली आप सॉल्ट डालिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर. और इन मशरूम को आप तब तक कुक करिए जब तक इनके कलर चेंज ना हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. मैं आई एम श्योर अगर आप इसको बना के खाएंगे तो ये इतना टेस्टी एक डिश है ना, आपके फेस पे एक बहुत अच्छा सा स्माइल आएगा. आई एम श्योर आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे. तो इसको ढक के हम ये ब्राउन होने तक इस तरह से पकाएंगे. बस ये हो गया है. अब इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता चॉप करके डालिए एंड इट इज़ डन. इट्स सो अमेजिंग, इतना क्विक, इतनी जल्दी बनता है ये और इतना अच्छा लगता है ना खाने में. आप इसको ज़रूर बनाइए. मैंने इसको स्क्यूअर में डाल के सर्व किया है, आप भी कीजिए. ये दिखता भी बहुत सुंदर है और खाने में भी अच्छा लगता है. इट्स वेरी टेस्टी. सो इट्स हियर, इट्स अ नाइस स्टार्टर. सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट for more recipes. Thanks for watching.